नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल। मैं हूं योगेश परमार। खेत खलियान कार्यक्रम में आज हम आपको मिलाएंगे कृषि विज्ञान केंद्र के बागवानी विस्तार अधिकारी डॉक्टर मुरारी लाल से। डॉक्टर मुरारी लाल आपको बताएंगे सितंबर और अक्टूबर माह में किसान भाई किन किन फसलों की बिजाई कर सकते हैं और कौन कौन सी उच्च किस्मों को इस्तेमाल वो कर सकते हैं ताकि किसान भाई अधिक से अधिक पैदावार ले सके। जो है ना, जो मूली है वो तो अगस्त सितंबर तक लगाई जा रही है, उसका समय चल ही रहा है। और जो गाजर है वो मध्य सितंबर से है ना 15 तारीख के बाद उसका भी समय सही समय उत्तम जो है शुरू हो जाएगा। और जो सलगम और जो मूली की जो है जो यूरोपियन किस्में हैं उसका जो समय है वो आपका जो है वो अक्टूबर से नवंबर के सही समय है। इसलिए जो है जो देसी किस्में लगाएं वो तो जो है अब जो है अगस्त से सितंबर का टाइम है इसका, वो बढ़िया टाइम है, उसमें लगा सकते हैं। अगर वो यूरोपियन किस्में लगानी हैं तो उसके लिए अक्टूबर से नवंबर का सही समय है। जैसे अगर जो है कोई किसान भाई जो है ना अगर जो है किस्मों का अगर चुनाव करना चाहे तो गाजर की जो है पूसा केसर है ये अगेती किस्म है, और जो है नैंटिस है ये यूरोपियन किस्म है। इनकी लगा के जो है वो लगभग 100 क्विंटल के करीब प्रति एकड़ पैदावार प्राप्त कर सकता है। और इसी तरह जो है ना मूली की जो पूसा चेत की है वो 40 से 45 दिन में तैयार हो जाती है और ये 60 क्विंटल के करीब प्रति एकड़ पैदावार देती है। इसी तरह जो है पंजाब सफ़ेद है 45 दिन में तैयार हो जाएगी, अच्छी पैदावार है उसकी, 80 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से उसकी पैदावार है। और इसी तरह अगर जो है एक जो है अच्छी वैरायटी है जो है अपनी हिसार यूनिवर्सिटी की हिसार स्वेती जिसकी की पैदावार 120 से 140 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से है। तो इसी तरह जो है अगर किसान भाई सलगम की जो खेती करना चाहते हैं तो वो दो अच्छी वैरायटियां हैं, वाइट चार और जो है पर्पल टॉप वाइट ग्लोब, तो इसकी जो पैदावार है वो 80 से 90 क्विंटल के करीब है। तो इसलिए जो है किसान भाई अब जो है इनकी खेती जो है कर सकते हैं। किसान भाई सितंबर और अक्टूबर माह में बागवानी की खेती भी कर सकते हैं। बागवानी के थ्रू अनार, मौसम्बी, किन्नू, संतरा इत्यादि के बाग लगाकर भी किसान काफी मुनाफा पा सकते हैं। बागवानी विभाग की तरफ से किसान भाइयों को बाग लगाने पर सब्सिडी भी दी जाती है। वहीं बाग लगाने पर किसान भाई अपने खेत में उसके नीचे तिलहन की खेती भी कर सकते हैं, जैसे दाल, चना इत्यादि भी उसके अंदर फसल उगा सकते हैं। सितंबर और अक्टूबर का महीना ये बाग लगाने के लिए भी बहुत बढ़िया है। तो मैं आपके माध्यम से किसानों से निवेदन करूँगा जो है अब किसान भाई जो है अपने एरिए में अमरूद है, नींबू किन्नू मौसम्बी माल्टा है और अनार है, खजूर है, बेर है, ये इस एरिए के लिए बहुत बढ़िया है। तो इनकी जो है खेती करेंगे तो किसान की जो है आमदनी जो सरकार ने चलाया हुआ है भी किसान की आमदनी दुगनी करने का 2022 तक, उसका लक्ष्य हम 2022 से पहले ही प्राप्त कर सकते हैं अगर किसान जो है बागवानी को जो है ना की तरफ रुझान करते हैं तो। और अब जो है जिस तरह इस पे जो है ना स्टेट हॉर्टिकल्चर जो डिपार्टमेंट है जो बागवानी विभाग है हरियाणा सरकार का, वो अमरूद है, किन्नू, नींबू, मौसम्बी, माल्टा, बेर और अनार इस पे अनुदान भी किसान को दे रहा है। तो इसलिए जो है सही किस्म का चुनाव करके किसान भाई जो है अपना बाग लगा सकते हैं।